मैं हाँ डेलीगेट अते मैं तुहानू मिलवाउंदा हाँ बरनाला दे एक किसान नाल जिसने डेलीगेट नाल अपना सफर तय किया। आओ सुनते हाँ उना दी कहानी उना दी ही जुबानी। सरों दे साग बिच मैं क्यों ही क्यों पाई जावा। सत श्री अकाल किसान भरावो, मेरा नाम मनप्रीत सिंह, पिंड कोठे भान सिंह पदौड़, तहसील तपा, जिला बरनाला। अपने खेत विच 15 किलों दे विच मक्की दी खेती कीती हुई है। अपना पंजाब होवे, पर हुण 2-3 सालों तो जिहड़ा गोभ दी सूंडी ते एक फाल आर्मी वार्म दा मक्की दे खेती दे उपर अटैक आउण लग्या, ये अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करदा। ये नाल मन के चलो भी पहला गोभ की सूडी होंगी है, जो ये छोटी स्टेज पर होंगी हैगी फाल आर्मी वर्म, उदों गोभ का नुकसान करती है। उस तो बाद बड़ी हो जाती है, उदों बाद पत्ते बहुत कटती है, पत्ते कट्टन तो बाद बाबू झंडा जिहड़ा मक्की कढ़दी आ उहदा भी नुकसान करती है, तो छलियां दे विच भी चली जाती है, उत्थे छलियां का नुकसान भी करदी, जिहदे नाल आपां नूं 50-60% अपना फसल का नुकसान हो जाता। ये जो असी पहलियाँ 1-2 स्प्रेहां जिहड़ियां कीतियां ने उहनां दे नाल ना तां गोभ दी सूंडी कंट्रोल हुई ते ना जिहड़ी उह आपां फाल आर्मी वार्म दा अटैक आ उह वी नहीं कंट्रोल होया। फिर उस तों बाद असी डेलीगेट दी स्प्रे कीती आ, जिहदे नाल सानूं बहुत वधिया रिजल्ट मिलिया, जिहदे नाल साडा खेत मक्की ग्रीन लैवल प्रोडक्ट होण दे कारण साडा खेत भी हरा भरा हैगा ते मक्की ने ग्रोथ भी कीती आ, ते सूंडी दा जिहड़ा हमला सी फाल आर्मी वार्म दा जां गोभ दी सूंडी दा उह वी बिल्कुल पूरी तरह कंट्रोल है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। कोटेवा डेलीगेट स्प्रे करन दे नाल आपां नूं मक्की दा झाड़ भी वधिया मिलिया ते इहदे नाल मार्केट दे विच रेट भी आपां नूं वधिया मिल रहा जी, क्योंकि यह ग्रीन लैवल प्रोडक्ट होने कारण इहदे विच पोइजन जिहड़ी जहर कहने आपां उह नहीं जांदी विच इहदी।